कितने दिनों बाद फीलिंग आ रही है अपने रूम की। ऐसा लग रहा है ये रूम मेरा है, आराम से सोऊंगा मैं। तुम्हें बहुत महंगा। गुड नाइट प्रीता। अभी तो फिलहाल सब सो रहे हैं, तो कोई मुझे यहाँ देखेगा नहीं। लेकिन अगर कोई उठ गया और मुझे सोते हुए देख लिया, और अगर माहिरा ने देख लिया, तो वो तो खुशी हो जाएगी। उसके दिल में तो लड्डू फूटने लगेंगे। उसे पता चल जाएगा कि करण और मेरे बीच में पति पत्नी वाला वो रिश्ता नहीं है। और उसकी जो जिद है करण को पाने की, उसको तो बहुत हवा मिल जाएगी। वो और फोर्सफुली करण के पीछे पड़ जाएगी। और अगर किसी और ने मुझे यहाँ सोते हुए देख लिया, तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि करण और मेरे बीच में चीजें ठीक नहीं है। आई मीन नॉर्मल नहीं है। ओ गॉड, कोई भी देखे भगवान, प्लीज राखी माँ और दादी ना देखे, क्योंकि अगर वो देखेंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। कोने में होकर सो जाती हूँ एकदम, ताकि किसी को देखूं ना। कैसी बातें करो, मैं लिविंग रूम में जाकर सोऊंगी तो कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा? वैसे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दादी और माँ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, इसलिए मैं वहां जाकर सो रही। यू प्रीता अरोड़ा ना जाने के लिए कैसे कैसे एक्सक्यूजेस बना रही थी, बट बेब्स आई एम दी करण लूथरा। मैं किसी की बातों में नहीं आता, आई एम दी स्मार्ट करण लूथरा। अच्छा बाकी लोगों की छोड़, मेरी सोचो, मुझे कहीं और नींद नहीं आएगी। मुझे यही नींद आती है, मैं काउच में सो जाऊंगी। ये यहाँ हॉल में क्यों सो रही है? ये हॉल में सो रही है और करण, करण रूम में। That means शायद इसका करण के साथ झगड़ा हुआ है। इसने करण को अपसेट किया है। पत्नी होने का पूरा फर्ज ही नहीं निभा रही है ये लड़की। I think इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। नाइस, वेरी नाइस। क्या सोचेगा कोई? गेट अप प्रीता। देखा, जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसे उठा के ऊपर ले आता हूं, समझे? वैसे दिमाग में मेरी एक बात आ रही है, क्यों ना मैं तुम्हें गिराई दूं आज? तुमने मुझे बहुत परेशान किया, आज गिराई देता हूं, मतलब पूरा हो जाएगा मेरा। यूं बेदिल लूथरा, तुम्हें लग रहा है कि मैं नींद में हूं? तो चलो यही सोचते रहो। चलो छोड़ो, जाने देता हूँ। एक्चुअली सो तो मैं माफ कर देता हूँ, तुम भी याद रखोगे। लेकिन प्रीता बड़ा बड़ी भारी सी हो गई, तुम बहुत मोटी हो गई हो, उठाया नहीं जा रहा। चलो यार। अच्छा मैं भारी हूँ, अभी बताती हूँ। अच्छा जी,
तो तुम ऐसा करो ना, आपके लिविंग रूम में जाकर सो जाओ। वहां पर एक बहुत ही बड़ा शानदार कंफर्टेबल सोफा है, तुम बहुत आराम से सो जाओगे। मैं तो बहुत मोटी हूँ ना, इसलिए सोफे पे फिट नहीं आ रही थी, सेट नहीं हो पा रही थी, अपसेट हो रही थी। लेकिन तुम बहुत फिट हो, स्लिम एंड फाइन, बहुत आराम से मजे से सोफे पे सो जाओगे। तो जाओ सोफे पे जाकर सो जाओ। यू घमंडी, अकड़ू, लड़ाकू, बेदिल लूथरा, गुड नाइट। इसका मतलब तुमने मेरे साथ चीटिंग किया? जब मैं तुम्हें नीचे से लेकर आ रहा था, तुम जागी हुई थी, तुम सो नहीं रही थी। सो रही थी लेकिन मेरा दिल जाग रहा था जो तुम्हारी बातें सुन रहा था। अब मैं क्या करूँ ना उसका? ओके नहीं, टिट फॉर टैट, इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। वैसे अगर सोचा जाए तो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तुम्हें अपने ही कमरे में सोना था। तुम प्यार से मुझे बोल देते, मैं काउच पे सो जाती, तुम आराम से बेड पे सो जाते। लेकिन नहीं, तुम्हारी आदत है ना, वो बहुत बिगड़ी हुई है। तुमने घमंड और एटीट्यूड दिखाया, पिल्लो बाहर फेंक दिया, मेरे साथ गेम खेली और गेम में चीटिंग भी की। बस उसी की सजा तुम्हें अब मिली है। अब हुआ ना हिसाब बराबर? हिसाब बराबर नहीं हुआ। ओके, तुमने मुझे बोला था ना कि मैंने अगर तुम्हें रूम से निकाल दिया तो किसी ने तुम्हें लिविंग रूम में सोता हुआ देख लिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बुआ ने देख लिया, दादी ने देख लिया, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर ऊपर लेकर आया और तुमने मेरे साथ ये किया। अच्छा, तो तुम मुझे ऊपर इसलिए लेके आए कि दादी या बुआ देख लेती? यही बात तुम मेरी कसम खा के कहो? नहीं नहीं, मैं इसे सच नहीं बोलूंगा कि कहीं इसे बुरा ना लगे, इसका दिल ना टूट जाए, इसलिए मैं इसे नीचे से ऊपर ले आया। देखो तुम ना मुझे वाकई में परेशान कर रही हो, मुझे नींद आ रही है, दरवाजा खोलो मुझे सोना है। देखो बहुत नींद आ रही है तो जहाँ खड़े हो वहीं सो जाओ। डोंट वरी, सुबह सबके उठने से पहले मैं तुम्हें उठा दूंगी। चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं इतनी बातें नहीं कर सकती। बाय, गुड नाइट। ओह गॉड, आज बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आएगी, पूरे बेड पे फैल के सोऊंगी। ये करण हॉल में क्यों सो रहा है? और प्रीता, प्रीता अरोरा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। इसका मतलब ये कि इस प्रीता अरोरा ने करण को उसी के कमरे से बाहर निकाल दिया। हाउ डेयर शी? करण, करण बेटा उठो, जाके अपने कमरे में सो जाओ। करण, प्रीता अरोरा। खुद ही लड़ाई करी उसने। और ये जो मेरा पिंक पिलो है ना, मेरा फेवरेट, इससे चिपक के सोने की आदत है मुझे बचपन से। ओके, तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं मुझे, और वैसे भी तुम्हारे हाथ से मुलायम ये पिलो है। ओके, मिस्टर हस्बैंड का फेवरेट पिलो, इतना भी कोई सॉफ्ट नहीं है, मेरे हाथ ज्यादा सॉफ्ट है। प्रीता की इतनी हिम्मत, समझती क्या है अपने आप को? करण को उसने उसी के कमरे से बाहर कर दिया। अभी बताती हूँ उसे। नहीं, इस वक्त मैं प्रीता अरोरा से कुछ नहीं कहूंगी। सही मौका आने दो, मैं इसी बात को यूज करूंगी प्रीता अरोरा के अगेंस्ट। चलो, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुमने मेरे साथ जो रूम में बदतमीजी की थी वो नहीं करोगी। नहीं करूंगी। व्हाट? क्या? प्रॉमिस नहीं करोगी? अरे पापा, बदतमीजी नहीं करूंगी, जो तुम बात करो ना वो वाली बदतमीजी दोबारा नहीं करूंगी। अब चलो चलो, पहले सॉरी बोलो। हाँ सॉरी।
सॉरी सॉरी बोला, दो बार बोला, चल कान पकड़ के सॉरी। ये लो दोनों हाथ दूसरे, ये लो हाथ, ठीक है चल चल उठक ले। एक मिनट पहले उठक बैठक लगाओ। क्या? कान पकड़ के नहीं करूंगी। मैं सो रहा, मुझे नींद आ रही है। I'm waiting. अच्छा ठीक है, ये देखो कान पकड़ लिए, सॉरी चलो अब तो चलो चलो। एक मिनट, मेरे बारे में 5 अच्छी अच्छी बातें बोलो। लेकिन 5 अच्छी बातें का सलाम। अच्छा ठीक है बोलती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत गुड लुकिंग भी हो, बहुत हैंडसम हो, तुम लोगों का बहुत ख्याल रखते हो, तुम मेरा भी बहुत ख्याल रखते हो, मुझे तुम्हारी स्माइल भी अच्छी लगती है और तुम्हारी आंखों में जो इनोसेंस है। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? हाँ तो चलो अब। अच्छा हो गया ना। एक मिनट, जैसे मैं तुम्हें रात को गोद में उठा के लेके गया था ना, मुझे गोद में उठाओ और लेकर चलो। बस अब बहुत ज्यादा हो गया, गोद में कैसे उठा कर लेकर जाओ? अरे क्यों नहीं उठा सकती, मतलब पॉसिबल कैसे है? तुमने खुद को देखा है, मैं तुम्हें कैसे उठाऊंगी? अरे पॉसिबल क्यों नहीं है, हम लड़के लोग लफंटर हैं, लेकिन तुम लोग तो झांसी की रानी हो। कम ऑन माय रानी, उठा लो मुझे और ले चलो। माय गॉड, योर गॉड, करण, प्रीता, ठीक है उठा लेती हूँ। नहीं पड़े रहो यहीं पर, सो यहाँ पे, देखने दो लोगों को, अब मैं भी तुम्हें नहीं उठाऊंगी। सोचने दो सबको जो सोचना है, गलत सोचने दो सबको, कोई बात नहीं। अरे एक मिनट यार, तुम तो एकदम नाराज होगी, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम ये सब करती भी नहीं, आई मीन कान भी नहीं पकड़ती, उठक बैठक भी नहीं लगाती और मेरे बारे में अच्छी बातें भी नहीं बोलती, तब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता। क्योंकि आज बताने का मूड नहीं, सुबह बताऊंगा। अच्छा सुनो, सीधा बाथरूम में मत घुस जाना, क्योंकि पहले मुझे नहाना है। माहिरा, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? शर्लिन मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। तो यहाँ पर सोने आई हो? शर्लिन मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सबका दिल जीत लूँ, मैं भी कुछ ऐसा बनाऊँ कि सबको लगे कि मुझे भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, जिसको खाकर सब बहुत खुश हो जाए, सबको ऐसा लगे कि उनके बिना ना मेरी सुबह ही नहीं हो सकती, समथिंग लाइक दैट। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ना स्ट्रेस क्यों कर रही हो, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हें जो सबसे अच्छी डिश आती ना बनानी, वो बना दो। बोलो क्या बनाना आता है? उल्लू। क्या? मुझे सिर्फ लोगों को उल्लू बनाना आता है, दैट्स इट। खाना वाना कुछ खास बनाना नहीं आता है, आता ही नहीं है एक्चुअली। यही तो प्रॉब्लम हो गई। प्रीता स्मार्ट निकली, उसे पता है हर लड़के के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर घर वालों को दिल जीतना है तो अच्छा खाना बनाना सीख लो। आई एम श्योर उसने कोई कुकिंग क्लासेस की होगी, और चाय तो बहुत ही अच्छी बनाती होगी। वो कहते ना सुबह सुबह की अच्छी चाय पियो तो दिन अच्छा जाता है। तुम्हारे साथ क्या करें? बहुत अच्छा गेम खेला प्रीता ने इस मामले में। इस मामले में क्या, हर मामले में बहुत अच्छा गेम खेलती है। उसने कल जानबूझकर पूरी फैमिली के सामने मेरी मॉम को सबकी नजरों में गिरा दी, इसके बाद पता नहीं इससे भी बड़ा गेम खेलेगी, और हो सकता है मुझे इस घर से निकालकर सीधा बाहर फेंक दे। मायरा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं प्रीता को कभी जीतने नहीं दूंगी। तो अब तक हार जीत की बातें हो रही? हाँ वो क्या है ना कि मायरा कह रही थी कि वो करण की टीम में है, मतलब उसकी क्रिकेट टीम के साइड है, और उसे लग रहा था कि अगर उसकी टीम हार गई तो बस वही बात कर रहे थे। तो क्रिकेट की बातें कर रहा था, मुझे लगा कि मेरी बात कर रहा। वैसे शर्लिन तुम्हारा तो डिमोशन हो गया, मतलब पहले तो तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर जो भी तुम्हारे मन में हो
कह देती थी, अब मेरे आते ही घबराहट से झूठी कहानियां बनाने लग गई। लेकिन एक बात कहूं, कानों से चाहे तुम सच समझ ना सको, लेकिन आंखों में देखते ही सब कुछ पता चल जाता, क्योंकि आंखें सच दिखा देती। प्रीता यहां आना तो। राखी मां बुला रही है। मुझे राखी मां बुला रही है। चाय को लेकर तो मैं तुम दोनों पर ट्रस्ट कर सकती हूँ ना? प्लीज उबाला आने से पहले गैस बंद कर देना, चाय गिरने मत देना। हाँ ऑफ कोर्स प्रीता, चाय हमें भी तो पीनी है। थैंक यू। तुम इसकी हेल्प क्यों करोगी? किसने कहा मैं इसकी हेल्प करूंगी? जिस तरीके से हमें प्रीता की जिंदगी बिगाड़नी है, हम उसकी चाय भी बिगाड़ देंगे। उसकी चाय पीकर सिर्फ लोगों का चेहरा नहीं बिगड़ेगा, प्रीता की इमेज भी बिगड़ जाएगी। अगर वो मुझ पर इल्जाम लगाएगी कि शोलन तुमने मेरी चाय बिगाड़ दी, तो बोला कि नहीं प्रीता, तुम शोलन को ताने मारने में इतनी बिजी थी कि तुमने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। राखी मां, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, और वो बात ये है। प्रीता, ये गीजर में पानी क्यों ठंडा आ रहा है यार? मैं शावर लेने गया तो ठंडा पानी था। अच्छा, पर अभी तो गर्म पानी आ रहा था। हो सकता है कि पावर फ्लक्चुएशन की वजह से गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा हो। मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन करती हूँ। मैं देख लूंगा। भाई आप फ्रेश नहीं लग रहे, सही से सोए नहीं क्या? तो मुझे मार रही है, ऊपर से घूर रही है। आपने सवाल ही इतना स्वीट पूछा ना भाई, कि आई कुडंट हेल्प इट। ये क्या सवाल था पूछने वाला? क्यों? भाई आप फ्रेश नहीं लग रहे। हाँ पर वो कॉमन सेंस नहीं है ना, है ना? सिंपल सी बात है, कम ऑन समीर भाई, समझो। न्यूली वेड कपल है हमारे। मुझे कुछ अच्छा बनाना नहीं आता तो क्या हुआ? मुझे प्रीता के अच्छे को बुरा करना आता है। क्या बोला था तुमने? चाय अच्छी पीकर दिन बहुत अच्छा जाता है ना, तो बुरी चाय पीकर दिन बहुत बुरा जाएगा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मायरा, मैंने अपनी आंखों से देखा, नमक का डब्बा तुम्हारे हाथ में था और तुम चाय में नमक डाल रही थी। और शर्लिन, तुम ये सब देख रही थी ना? क्या करना चाहिए था तुम्हें? तुम्हें मायरा को रोकना चाहिए था, पर नहीं, तुम इसे सपोर्ट कर रही थी। चाहते क्या हो तुम दोनों? कि प्रीता ने जो चाय बनाई है वो चाय पूरी फैमिली पिए और प्रीता को डांटे, उसकी इंसल्ट करे?